मॉर्निंग दोस्तों, आज का वीडियो का शुरुआत अभी सुबह से हो रहा है। अभी बज रहे हैं 9 और बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हैं और मैं अभी ऊपर हूँ। बाहर मौसम काफ़ी खूबसूरत है, धूप है लेकिन ठीक है। ये देखिए बाहर का नज़ारा, धूप तो है लेकिन उतना को भी सुबह का टाइम है, ज़्यादा कुछ धूप नहीं है लेकिन धीरे धीरे धूप बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कभी धूप कभी छांव, बादल हैं, बादल भी कभी कभी आ रहे हैं जा रहे हैं। चलिए देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, तैयार हुए कि नहीं। और एक और चीज़ मैंने आप लोगों को अगले ब्लॉग में बताया था कि जो मेरा पंखा था जिसे लक्ष्य ने गिरा कर तोड़ दिया था, एक खुशखबरी है कि वो ठीक हो चुका है। मेरे मित्र ने उसको रिपेयर करके ठीक कर दिया है। थैंक यू मित्र आपका, जो आपने हमारे फैन को आपने रेडी कर दिया, क्योंकि बिना फैन के चलते ये गर्मी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी सावन चल रहा है लेकिन लग नहीं रहा है कि सावन है। चलिए दिखाते हैं, मैं अपने फैन को दिखाता हूँ जो कि हमारे मित्र ने रेडी किया है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वर्क किया उस फैन पर। उसका जो बूस और धुरा जो होता है जिसमें डैना लगाया जाता है, वही डैमेज हो गया था, मुड़ गया था, तो उन्होंने उसको रिप्लेस कर दिया और काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने रात भर यूज भी किया। चलिए दिखाते हैं। हाँ, और एक बात, अगर आप मेरे लोकेशन पे हैं तो हमारे मित्र से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर दे दूंगा, मोबाइल नंबर, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको कूलर हो गया, फैन हो गया, वेल्डिंग मशीन हो गया, ये सब अगर रिपेयर कराना हो तो आप करा सकते हैं। और भी बहुत सारे चीज़ वो करते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा नॉलेज भी है उनको। मैं उनका मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम हो फैंस मैंने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, वो बंदा ठीक कर देगा। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं अपना फ़ैन। ये मेरा फ़ैन रेडी हो चुका है, देखिए। मैं इसको, ये जो मैं बता रहा था ना कि ये जो डैना जिसमें लगाते हैं यही बैंड हो गया था, जिसके चलते वो मूव नहीं कर रहा था, पकड़ नहीं रहा था कॉइल के साथ में, जिसके चलते काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। आपने देखा ही कि जो लक्ष्य ने इस फैन को गिरा के डैमेज कर दिया था और मेरे मित्र ने इसको ठीक कर दिया है और बहुत अच्छे खर्च में उन्होंने इसको ठीक किया है। अभी मैं दिखाता हूँ चला के, देखता हूँ कि लाइट है कि नहीं। हाँ, लाइट है। चलिए मैं स्विच ऑन करता हूँ, एक बार हवा का आवाज़ भी सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा फ़ैन रेडी हो चुका है और काफ़ी अच्छी तरीके से हवा दे रहा है। जो स्पीड पहले था वही स्पीड है। चलिए इसको बंद कर देते हैं, काफ़ी आवाज आएगा। चलिए मैंने इसको बंद कर दिया, क्योंकि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा, जो स्पीड पहले था कंपनी के साथ में वही स्पीड अभी भी अवेलेबल है। और मैंने इसको यूज भी किया फुल नाइट, लेकिन किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। और बच्चे स्कूल चले गए और मैं एक बार छत का मुआयना कर लूँ। एक बार मैं छत का मुआयना करना ज़रूरी होता है, जो कि आजकल सावन का मौसम चल रहा है, कोई सामान अगर छूट गया ध्यान जाएगा नहीं, आधी तूफान आएगा उड़ा करके जाएगा। मैं देख लूँ, काफ़ी नहीं, कुछ नहीं है, चूँकि देखना ज़रूरी हो जाता है, अगर नहीं देखेंगे बारिश आएगा नुकसान होगा।
तूफान आएगा, नुकसान होगा, काफ़ी नुकसान हो जाता है। बच्चे स्कूल के लिए निकल गए हैं और मैं भी थोड़ी देर में निकल जाऊंगा ऑफिस। चलिए, जहाँ जहाँ भी जाते हैं आते हैं आपको दिखाएंगे इस ब्लॉग में, जो जो होता है वो दिखाएंगे, जो वर्क करेंगे वो भी दिखाएंगे। चलिए निकलते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस अभी थोड़ी देर पहले, और ऑफिस पहुंचने के बाद जो डेली का वर्क होता है, रूटीन है, वो मैंने पूरा कर लिया है। आगे चलिए, जो भी वर्क आता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मेरे विद तिवारी ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। कमेंट में जो भी आपको अच्छा बुरा लगे वो कमेंट कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई दूंगा और उसमें जो भी ब्लॉग आएगा नेक्स्ट उसमें मैं सुधार करूंगा। और आप लोग जब भी हमारा वीडियो देखिए तब अपना प्यार दीजिए हमको। और एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं और छोड़ के निकल जाते हैं, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तो और भी मेरा मनोबल बढ़ेगा, और भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँगा, अच्छे अच्छे कंप्यूटर रिपेयरिंग का टिप्स दूँगा कि कैसे क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जो भी वर्क आता है मैं आपको एक क्लिप डालूँगा, उसमें आप उसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तब तक लिए आइए दिखाते हैं जो भी वर्क आता है। देखिए दोस्तों, एक ये लैपटॉप आया हुआ है जो कि एक्सीडेंटल डैमेज है, काफ़ी तरह इसका स्क्रीन जो है वो टूट चुका है, आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी तरह टूट चुका है ये स्क्रीन, देख रहे हैं ना। अब इसको देखते हैं, ये डेल का ब्रांड है और इसका दूसरा स्क्रीन लगा के चेक करते हैं क्या स्टेटस है क्या नहीं है। ऑन तो मैंने चेक किया था, लाइट आ रहा था। एक कस्टमर ने ये तो बड़ी अच्छी काम की है कि जब ये एक्सीडेंटल डैमेज हुआ तब इसका उन्होंने बैटरी निकाल के रख दिया था, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये नॉलेज होना चाहिए कि किस परिस्थिति में किस तरीके से हम लोग इसको हैंडल करेंगे तो हमारा जो भी सामान है वो सुरक्षित रहेगा। तो उन्होंने क्या किया था कि बैटरी तुरंत निकाल दिया, निकालने के बाद तब डायरेक्ट उन्होंने शॉप पर लेकर आए हैं, अभी हमको दे के गए हुए हैं। अभी मैंने चेक किया, इसमें लाइट तो आ रहा है लेकिन डिस्प्ले कुछ दिखा नहीं रहा है। फिर आगे चलिए देखते हैं, चेक करते हैं क्या कंडीशन है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये प्रॉपर वर्किंग में है लैपटॉप, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है और फर्स्ट क्लास चल भी रहा है। बस इसका स्क्रीन रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करने के बाद ये रेडी हो जाएगा। जब भी आप भी ध्यान रखिए कि जब भी आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, वाटर डैमेज हो, बर्निंग हो, जो डीसी सप्लाई से चलता हो या लैपटॉप हो गया, जब भी वाटर डैमेज हो, आपको फिजिकल डैमेज हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप बैटरी आपको निकाल लेना है। बैटरी निकाल लीजिएगा,
कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो प्रोडक्ट है वो सुरक्षित रहेगा, नहीं तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, काम तो लैपटॉप का हो गया, उसको मैंने स्क्रीन फिट कर दिया और रेडी हो चुका है, कस्टमर अब उसको लेके जा सकते हैं। देखिए इस स्थिति में होता क्या है कि जब भी कोई भी फिजिकल डैमेज या वाटर डैमेज कोई भी लैपटॉप होता है तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग ये गांठ बांध के रख लीजिए कि पहले उसका बैटरी रिमूव कीजिए। बैटरी अगर रिमूव नहीं कीजिएगा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, अगले रिपेयर करने वालों को भी थोड़ा परेशानी होगा जो भी रिपेयर करेगा, और आपको परेशानी होगा ही होगा। अगर ज़्यादा कॉस्ट गिरेगा तो आप भी सोचिएगा कि हाँ रिपेयर कराएं कि नहीं कराएं, क्या कराएं नहीं कराएं। इसीलिए मैंने वो क्लिप दिखाया कि आप लोग देखिए और समझिए उस चीज़ को कि जब भी इस तरह का कोई भी लैपटॉप में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसको आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। और ये जो लैपटॉप के कस्टमर हैं वो काफ़ी समझदार हैं, क्योंकि जैसे ही उनका फिजिकल डैमेज हुआ तुरंत उन्होंने बैटरी निकाल दिया तो उस नुकसान से वो बच गया, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा अपना भी माइंड सेटअप करना पड़ेगा कि हमको क्या करना है उस कंडीशन में, क्या नहीं करना है। ऐसे ऐसे क्लिप मैं आप लोगों को इस डेली ब्लॉग में दिखाता रहूँगा, ठीक है। और चलिए, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारे चैनल विद तिवारी ब्लॉग को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और आप लोग, एक और आप लोगों से शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के और निकल जाते हैं, इसलिए आप लोग जब भी मेरा वीडियो देखिए सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए, लाइक का बटन जरूर दबाइए, और कमेंट में जो भी अच्छा सजेशन हो वो हमको दीजिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। We'll be right back.